नमस्कार, मैं दीपक डीजे ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैम सर्वर्स में हम लोग पीएचपी का वर्जन कैसे चेंज करते हैं। वैम सर्वर में पीएचपी का वर्जन चेंज करना बहुत आसान है। आप वैम सर्वर ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड में एक वैम सर्वर का आइकन बन के आ जाता है। इस पर जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर लिखा होगा ये पीएचपी, जो वर्जन सेलेक्टेड होगा उसके लिए यहाँ पर उसका नंबर लिखा होगा। जैसे यहाँ पर 7.4 वर्जन सिलेक्टेड है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आप जैसे आएंगे यहाँ पर आपको देखिए तीन वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस समय मैंने 7.4.0 सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर 7.4.0 शो कर रहा है, लेकिन अगर मुझे 5.6 वर्जन पे काम करना है तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और ये सर्वर देखिए यहाँ पे येलो हो गया, यानी कि ये अब अपाची सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा है। रीस्टार्ट करने के बाद ये वापस से ग्रीन हो जाएगा, वापस से ग्रीन होकर हो जाएगा और जो सर्वर आपने 7.4.0 था वो चेंज होकर के आ जाएगा 5.6.4 पे। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया 5.6.4। मैं 7.4 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको वापस से 7.4 सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए ये सर्वर को वापस से रिस्टार्ट किया और इसके बाद ये यहाँ पर जो वर्जन था वो सेलेक्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होकर के 7.4.0 पे ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग सर्वर वैम सर्वर में पीएचपी के वर्जन को चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।